मुझे लगता है कि दर्द हमें समृद्धि की ओर ले जाता है। ये खुद को उलझाने का अचूक तरीका है। आप जीवन में हर चीज के बारे में शिकायत करते हैं क्योंकि आप हर चीज मेहनत से करते हैं। जब आपकी बुद्धि आपके खिलाफ हो जाती है तो ब्रह्मांड में कोई शक्ति आपको नहीं बचा सकती। यही सब कुछ है। मुझे लगता है कि दर्द हमें समृद्धि की ओर ले जाता है, और अगर जीवन में आपके कुछ लक्ष्य हैं तो उनकी कीमत होती है, जिसमें दर्द, मेहनत और लचीलापन शामिल है। और जब ऐसा होता है तो बहुत से लोग तनाव से दूर क्यों भागते हैं? क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से जब तक मैं जीवित हूँ तब तक कुछ लक्ष्य पाना चाहता हूँ जो कि बहुत तनाव और दर्द से हासिल होंगे, और फिर जब मैं मर जाऊँगा तब आराम कर सकता हूँ क्योंकि मेरा कब्र में ज़्यादा समय बीतेगा कब्र के बाहर की तुलना में। क्या आपको लगता है ये सोच सही है? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये खुद को उलझाने का अचूक तरीका है। ये एक गंभीर गलती है जो कई पीढ़ियों के लोगों ने की है कि अगर आपको पढ़ना है तो कैसे पढ़ें? मेहनत से पढ़ें। अगर आपको काम करना है तो कैसे काम करें? मेहनत से। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा कि आपको आनंद से पढ़ाई करनी चाहिए? उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा कि आपको प्रेम से काम करना चाहिए? नहीं, आपको हर काम मेहनत से करना चाहिए, फिर आप शिकायत करते हैं। आप जीवन में हर चीज़ की शिकायत करते हैं क्योंकि आप हर चीज़ मेहनत से करते हैं। पर्याप्त चिकित्सीय और वैज्ञानिक प्रमाण हमें दिखाते हैं कि सिर्फ अच्छे अनुभव की स्थिति में होने पर ही आपका शरीर और दिमाग सबसे अच्छी तरह काम करते हैं। क्या यह आपके लिए महत्वपूर्ण है कि जीवन में कोई भी काम अच्छे से करने के लिए आपका शरीर और दिमाग अच्छे से काम कर रहा हो? हेलो, क्या यह महत्वपूर्ण है? मुझे बताइए, जब आप तनाव और चिंता में होते हैं क्या आपका शरीर और दिमाग सबसे अच्छी तरह काम करते हैं? शरीर इसके प्रति प्रभाव शून्य हो जाता है, जैसे कि जिम में जब मैं अपनी मांसपेशियों पर तनाव डालता हूँ तो ये बढ़ती है, जब ये टूटती है। नहीं, अगर आप खुशी खुशी भागें, पहाड़ चढ़ें, खेल खेलें, तब भी मांसपेशियाँ अच्छी हो जाएंगी। हेलो, तो तनाव होने पर ये अच्छी होगी, ये टूटेगी और फिर अच्छी? नहीं। देखिए, तनाव का मतलब है आप हर समय इसके लिए अनोखे शब्द ढूंढते रहते हैं। कोई कहता है थकान, कोई कहता है तनाव, कोई कहता है चिंता, और आगे और भी हैं, ठीक है, कई सारे नाम हैं। कुछ 72 से 77 मानसिक बीमारियां हैं जो उन्होंने आज पहचानी हैं। बहुत से अनोखे नाम हैं। मुख्य रूप से ये बस यही है, आपकी बुद्धि आपके खिलाफ हो गई है। जब आपकी बुद्धि आपके खिलाफ हो जाती है तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति आपको नहीं बचा सकती। यही सब कुछ है। अगर आपकी बुद्धि आपके लिए काम कर रही होती तो क्या आप इसे आनंद में रखते या तनाव में? प्लीज मुझे बताइए, आप चुन लीजिए, मैं अभी आपको आशीर्वाद देने वाला हूं। अगर आपकी बुद्धि आपके लिए काम करती तो आप अपने लिए क्या चुनते, आनंद या तनाव? आप अपने पड़ोसी के लिए क्या चाहते हैं, इस पर बहस हो सकती है। आप जानते हैं हम पड़ोसी हैं कहीं और।